फाइनली झलक के अब उस हॉट कंटेस्टेंट की बारी है जो जस्ट अभी अभी स्टेज पर पानी में आग लगाते हुए आ रही है, करिश्मा जी। क्या परफॉर्मेंस थी मतलब? हाँ मतलब आई थिंक ये पहली बार पानी में हम आग लगा रहे हैं। मैंने कभी रेन में डांस नहीं किया है ऑन स्टेज, और मैंने इतना सेंचुअल एक्ट कभी भी नहीं किया, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग थी। पर हम एक्टर्स हैं तो आपको कैरेक्टर में जाना ही पड़ता है, यू नो, टू शो दैट सेंशुअलिटी, टू शो दैट रोमांस एंड टू शो दैट वाइल्डनेस। तो आई थिंक काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, एंड लेट्स सी के ऑडियंस और जजेस को अच्छा लगता है कि नहीं। वेल, जैसे कि आपने कहा पूरी जो वाइल्डनेस थी वो पूरी हमने देखी है अभी आपके टेक्निकल्स में। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी करिश्मा को इतना मतलब तैयार करने के? देखो ये यही वाला रिएक्शन आता है जब मैंने कहा उनको कि सेंशुअस एक्ट करना है, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन आना है, हॉटनेस लगना है हमको। तो जब भी हम ऐसे पास आते हैं तो ये वाला रिएक्शन आता है, शी स्टार्ट्स लाफिंग। एंड ये कराने में ज़्यादा दिक्कत होगी, स्टेप्स तो खैर कर ही ले रही है, बट वो जो अदाए और वो जो लिटरली सेड्यूस करने वाला जो फील है वो हो नहीं रहा है। सो बट आई एम श्योर कि वो कल स्टेज पे कर लेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस है, मार्क्स मिलने वाले, जज होने वाले, लोग देखने वाले, सो आई एम श्योर वो कर लेगी इस बार। करिश्मा, लेकिन मतलब ये एक्सप्रेशन आपको देना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था या पानी में डांस करना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था? नहीं, एक्सप्रेशन देना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, पानी में तो चलो ठीक है। नहीं, बट पानी में स्लिप भी हुए, पानी में फर्स्ट टाइम जब करा बहुत स्लिप हो रहे थे, उनको भागना था बट वो भाग नहीं पाई, वो स्लिप हो रहे थे, तो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम पानी में स्लिप ना हो। हाँ तो मतलब और एक्सप्रेशंस भी ना थोड़े से मतलब आप चुलबुल एक्सप्रेशंस दे देते हो, आप इमोशनल एक्सप्रेशंस दे सकते हो, यू नो, बट ये सेंशुअल में स्पेशली इन्होंने एक बिट डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ सांसें सिर्फ चल रही है। तो उसमें तो मतलब अभी तक मुझे नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उनकी आंखों में आंखें डालकर देखूं और सांसें ऐसे यू नो हैम करूं, तो वो आ नहीं रहा है अभी भी, पर आएगा धीरे धीरे, आई थिंक कल तक आ जाएगा। वैसे अगर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो शो का लेवल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ऊपर से हमारी करिश्मा इतनी शर्माती हैं, मतलब इतनी क्यूट सी, तो आपको मतलब कितना चैलेंजिंग लग रहा है कि करिश्मा को और आगे तक लेकर जाना है? किन किन चीज़ों में मेहनत करनी है आपको? काफ़ी चीज़ों में करनी है एक्चुअली, वो जितनी क्यूट है उतनी हॉट भी है। एक्ट में वो ऐसे नॉर्मल लाइफ में, ऐसे नॉर्मल रिहर्सल्स के टाइम में वो नहीं आता है, बट आई एम श्योर कि वो बहुत हॉट है, जब वो स्टेज पे आएगी डेफिनेटली वो पानी में आग लगाएगी। और बाकी उनके डांसिंग स्किल्स में मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितने भी करा है, हम ऐसा लगता है कि हर बार हम अपना जो लेवल है वो अप करते जा रहे हैं, सो डांसिंग में ही हमें लेवल हाई करना है, एज इन उनको और प्रैक्टिस करना है और मेहनत करनी है। करिश्मा, अगर जजेस की बात करें तो वो जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका जज करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा टफ होता चला जा रहा है, तो मतलब ऐसे में उनको इम्प्रेस करना आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है? मेरे लिए डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से डांस कर रही हूँ, पर जो झलक दिखलाजा का लेवल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने ऐसे डांस मूव्स कभी भी नहीं किए हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर के साथ डांस करते हो तो जजेस और ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। हमने धीरे धीरे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पर आई थिंक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और अपना बार हाई कर देंगे और हार्डवर्क करेंगे। वैसे एक बात तो जरूर कहनी पड़ेगी कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके परफॉर्मेंसेस जो हैं वो भी बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए वो किसी चैलेंज से कम नहीं हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे बाकी कंटेस्टेंट्स को, कुछ बोलना चाहेंगी? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने और रजत ने बहुत ही क्लियरली ये सोचा कि हम बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। आई नो डिप्लोमेटिक आंसर आप लोग बोलेंगे, बट सीरियसली हमने डेफिनेटली ये सोचा है कि हम ब्लाइंडर्स लगाकर हम सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि वो अगर हम लोग स्ट्रेस लेंगे ना तो हम नेगेटिव एनर्जीज खींच रहे अपनी तरफ, यू नो। सो हमने बहुत क्लियरली ये सोचा है कि हम किसी और, ऑफकोर्स सब लोग अच्छा कर रहे हैं पर हमें भी पहले से अच्छा करना है, तो वही एटीट्यूड में हम आगे जा रहे हैं। वेल, लास्टली खाली मैं ये जानना चाहूँगी करिश्मा, झलक में आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के ये चैलेंजेस दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक दिन के लिए करिश्मा को अगर पावर दे दिया जाए कि किसी एक कंटेस्टेंट को आप अपने तरीके से चैलेंज दें, तो किसे और कौन सा चैलेंज देना चाहेंगे आप? मैं कंटेस्टेंट नहीं, मैं मनीष पॉल को चैलेंज देना चाहूँगी। बहुत चपड़ 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 करता है, नारायण बनता है और यू नो सबकी खींचता है कि आपका डांस ये और आपका वो, अरे आप तो बॉटम में आ गए, तो बहुत खींचता है हम सबकी। तो आई थिंक मैं उसको एक बार कंटेस्टेंट बनाना चाहती हूँ और लड़की की तरह डांस करवाना चाहती हूँ उसको एक बार। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वेल, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को?
जितने भी हमारे फैंस हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग झलक दिखला जा एंड लव द जोड़ी, एंड आई होप आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो प्लीज़ सपोर्ट अस. वेल थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. वेल ये तो थी हॉट सी करिश्मा, मेरे ख्याल से टाइटल बहुत सही दिया गया है, झलक हॉट है. वेल आपको इनका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, कितना हॉट लगा, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं. कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, चलिए मसाला.